أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا डाइस पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद एक्स मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा ज़िला सदर जनाब अन्ने सकलैन अंसारी साहब जनाब आसिफ शेख साहब यूथ सदर बरेली जनाब गुलफाम मियां साहब शहर सदर बरेली जनाब शाहीन साहब आवेदक प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष जनाब हाफिज इफ्तिखार अलवी साहब विधानसभा अध्यक्ष जनाब रानू अलवी साहब हमारे बड़े पुराने साथी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहले दिन से इस हरे परचम को बुलंद करने वाले मेरा छोटा भाई मोहसिन और जनाब सैयद रफ़त साहब जो जिनका ताल्लुक़ तो आपकी सरजमीन से है लेकिन महाराष्ट्र में ज़ेर मुकीम है और माशाल्लाह इनकी वीडियो भी आप लोग देखते होंगे कि बड़ी लड़ाई लड़ते हैं वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। दोस्तों बुज़ुर्गों तकरीरें तो बहुत हुई, हम तकरीर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि माजिद साहब की मौजूदगी में डॉक्टर पवन साहब की तकरीर सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। अय्यामे गुज़िश्ता के 74 बरस और हिंदुस्तानी मुसलमान, ये मेरा उन्वान है। वतन अजीज़ को आज़ाद होकर के 74 साल हुआ, हमने क्या पाया क्या खोया हमने इस चीज़ का कभी मुहासिबा नहीं किया। हमने आज़ादी के बाद से अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमारे बड़ों ने कहा मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा। नेहरू को अपना लीडर माना, इंदिरा को अपना लीडर माना, राजीव को अपना कायद माना। इस मुल्क का इख्तदार हमने एक साल दो साल तीन साल नहीं बल्कि 60 साल तक नाम नहाद सेकुलर कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस के झंडे डंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। मेरा सवाल मेरे बुजुर्गों आपसे है कि इन 74 सालों में आज़ादी के बाद हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और ये बरेली शरीफ की सरजमीन है और पढ़े लिखे का गहवारा है। आज़ादी के वक्त जब हमारा वतन अजीज़ आज़ाद हुआ है, इस मुल्क के अंदर मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% था। मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में हम कितने फ़ीसद हैं? बहुत सारे शोबे हयात ऐसे हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां मुसलमानों की तादाद 0% है। आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा फसाद, एक दो तीन नहीं बल्कि 30,000 से ज़ायद दंगे हुए, और वो दंगे हुए नहीं बल्कि एक मंसूबा बंद साजिश के तहत मुस्लिम इलाकों में वो दंगे करवाए गए। आपका ये पश्चिमी का इलाका, आपके बगल का शहर मुरादाबाद, मुसलमानों के हाथों में ब्रास का कारोबार था,
उन इलाकों में दंगे करवाए गए, मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो मुसलमान फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था, आज उसका बेटा या पोता उस फैक्ट्री का वर्कर बनकर के काम कर रहा है। आपके बगल का इलाका अलीगढ़, पश्चिमी यूपी का इलाका, ताले का कारोबार आपके हाथ में हुआ करता था। उसके बगल का जिला फिरोजाबाद, चूड़ियों का कारोबार आपके हाथ में हुआ करता था। लेकिन एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत इन इलाकों में दंगे करवा करके मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया और मुसलमान पिछड़ता चला गया। जब तक इस देश के गैर सियासी तंजीमों ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पसमानदा है, इस देश की सरकार ने कभी सच्चर कमेटी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया, कभी कुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, तमाम कमीशन ने रिपोर्ट दिया मरकजी हुकूमत को कि इस देश का मुसलमान पिछड़ रहा है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आखिर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा सवाल यहीं से आपसे है, सरकार हमारी थी, पार्टी हमारी थी, नेता हमारा था, हमारे बड़ों ने कहा था मुसलमानों अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, हमारे बड़ों ने कहा था मुसलमानों कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, हमारे बड़ों ने कहा था मुसलमानों नेहरू तुम्हारे लीडर हैं। सवाल यह है कि ये हमारे लीडर थे, ये हमारी पार्टी थी, हमने इनको वोट डाला, नोट दिया, इख्तदार की कुर्सियों पर बैठाया, 60 साल नहीं बल्कि 50 सालों में मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुआ। जो सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, मैं उन नाम निहाज सेकुलर चपरासियों से सवाल करता हूं, इसका जिम्मेदार कौन? मुरादाबाद के अंदर 1980 में ईदगाह के अंदर गोलियां मारी गई, 5400 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद के अंदर चोरों की तरह रात में मूर्ति रखी गई, किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, किसकी सरकार थी? आप बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुसलमानों की पार्टी की सरकार थी, मुसलमानों के लीडर इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी मौजूदगी में मुसलमानों के हालात ऐसे हुए, तो उसका जिम्मेदार कौन? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस से जम्मू मोड़ा, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया। एक मर्तबा फिर हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानना है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, ये देश जानता है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धोखेबाज कोई कौम है तो वो समाज यादव समाज है। मैं प्रूफ करके बताता हूं, मैं हम मजलिस वाले कोई बात हवा में नहीं बोलते, क्योंकि हम शागिर्द किसके हैं? हम शागिर्द उसके हैं जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर है, और उस काबिल लीडर का शागिर्द इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के सबसे काबिल तरीन लीडरों से अच्छा होगा। अभी तो हम तालिबे इल्म हैं, अभी तो हम सीख रहे और हम सिखा रहे, जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं वो हम नीचे सिखाते। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव की सरकार, 1992 में मुलायम सिंह को अपना नेता माना,
हमने सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर धोखा देने वाले समाज को, जो सुबह सुबह उठ करके आधा लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाता है, कौन समाज है ये धोखा देने वाला? यादव समाज। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतें मजबूत ना होने पाए, हमने ऐसे मिलावटखोरों को भी अपना लीडर तस्लीम किया, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा और मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। हमने यहां तक नारे दिए, मौलाना मुलायम सिंह यादव, यह हमारे उलमाए कराम की बेइज्जती हुई। एक ऐसा शख्स जो अल्लाह और मेरे आका की जात से इनकार करता हो, ऐसे शख्स को भी हमने अपना कायद माना। किस चीज के खौफ से? कि फिरौन की हुकूमत ना आ जाए। अभी माजी साहब ने कहा ना, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को यह खौफ दिखाया कि मुसलमानों बीजेपी आ जाएगी, तुम हमको वोट डालो, हम बीजेपी को रोक देंगे। बीजेपी ने हमारे हिंदू भाई को यह खौफ दिखाया कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, इसलिए तुम हमको वोट डालो वरना मुसलमान जीत करके आ जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? एक हमको बीजेपी का खौफ दिखा रहा और दूसरा हमारा खौफ हमारे हिंदू भाई को दिखा रहा, यानी दोनों बराबर है। हमने समाजवादी पार्टी जो 7% उत्तर प्रदेश में, यादव कितना? 7%, 5 और 2 उत्तर प्रदेश में 7% यादव मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को झोली भर भर के वोट डाला, बोरी भर भर के वोट डाला, और मुलायम सिंह यादव को 3 मर्तबा और उनके नाकारा औलाद को 1 मर्तबा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हमें क्या हासिल हुआ? मिला कुछ? ऐ बरेली के लोगों, याद है ना आपको 2012 के अपने चुनावी मंशूर में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, उनके लखते जिगर अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो दरगाहों की रख रखाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम अलग से बजट अलॉट करेंगे, हम अलग से इसका मंत्रालय बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आपने नहीं पढ़ा ना मैनिफेस्टो, आप नहीं पढ़ते क्योंकि आप तो बीजेपी की खौफ से समाजवादी को वोट डाल रहे हैं। ऐ अल्लाह और उसके नबी और आला हजरत के गुलामों, मुसलमान अल्लाह सुभानहु व तआला के अलावा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि जब हम बहुत थोड़े थे, सामने हजारों का लश्कर था, तब हम नहीं डरे। आज 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में है, अगर आप ऐसे हो जाएं तो आप बीजेपी जैसे लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज सबसे आसान बकरा मुसलमान है, जो जब चाहता है चाकू निकाला जबा कर दिया, है ना? आप सुन रहे हैं ना, एक जितेंद्र त्यागी नामी आदमी, अल्लाह ने उस कचरे को हमारे बीच से निकाल दिया और उसके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। लेकिन वो बेचारा कुत्ते की खाल पहना, सुअर की खाल पहना, सियार की खाल पहने, ये उसका अपना मामला, संविधान इस बात की इजाजत देता। शेरवानी पहनो, दाढ़ी रखो, टोपी रखो, नंगे घूमो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि संविधान हर बात की इजाजत देता, कुत्ता बिल्ली खाने वालों को भी इजाजत है।
बड़े लोगों को तो बड़े की खाने की भी इजाजत है, लेकिन कुत्ता बिल्ली खाने सुअर खाने वालों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मुमानियत नहीं है। बड़े लोगों को बड़े खाने के लिए मुमानियत। नंगे होकर के गंगा में कूदने वालों को जो ऊपर से नीचे तक मादर जात रहते हैं, ऐसे मादर जात लोगों को नंगे रहने की इजाजत है, लेकिन परेशानी हमारी दाढ़ी हमारी टोपी से है, हमारे लिबास से है, हमारी शेरवानी इनकी परेशानी है। क्यों? कभी आपने सोचा इस देश के अंदर तमाम मजहब के लोग हैं, हमारा संविधान सारे मजहब के लोगों को सेलिब्रेट करता, बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं किसी खुदा को नहीं मानते, हमारा संविधान उसको भी मानता, हमारा आईन सबको मानता है, लेकिन क्या वजह है भाई कि हमारी शरीयत में मुदाखलत। आपने कभी जाटों समाज से यह बात क्यों नहीं पूछी कि तुम अपने यहां शादी में ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाते? नहीं, पवन साहब बैठे हुए हैं, जाटों समाज से इनका ताल्लुक। अगर हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई तो आपको ईसाइयों से भी पूछना चाहिए कि तुम अपने यहां शादी में ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाते, या तुम्हारा शादी का तरीका ये नहीं ये होना चाहिए, तुम्हारा तलाक का तरीका ये नहीं हो ये होना चाहिए। अरे हमारा संविधान मसावात का दर्श देता, यानी राइट टू इक्वालिटी, बराबरी, और यही तो इस्लाम भी कहता है। एक दलित को मेरे आका ने अपने कंधे पर पैर रखकर के खाने का बाबे चढ़ाया था, याद है ना? यही तो इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है, इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है, और यही हमारा संविधान भी कहता। लेकिन वो कौन लोग हैं जो संविधान के दुश्मन हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं, जो जिन्हें हमारे खाने से परहेज, हमारे कपड़े से परहेज, हमारी इबादत गाहों से परेशानी, हमारी दरगाहों से परेशानी, हमारी खानकाहों से परेशानी, हमारी मदारिस मसाजिद से परेशानी? क्यों? हमेशा निशाना आप क्यों है? कटुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, ये नारे क्यों? मुसलमानों के दोस्तान कब्रस्तान या पाकिस्तान तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारे सबके बाप दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहीं पर उतरे थे। लेकिन इस तरीके की बातें हमें क्यों कहाई जा रही है? क्या इस देश की जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ हम शाना बशाना नहीं लड़े? मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां उलमाए इकराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में उन लोगों का कोई योगदान नहीं जो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उन लोगों ने 40 साल तक अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगे को नहीं फहराया, उनसे सवाल नहीं, सवाल हमसे। अरे हमारे आका ने हमें बताया है जिस मुल्क में रहना उस मुल्क के वफादार बन करके रहना, और मेरे आका ने ये बताया था और ये कहा था कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। मेरे आका ने जिस चीज को पसंद कर लिया, तुम हमको पाकिस्तान भेजोगे हम चले जाएंगे, हम ख्वाजा अजमेरी को छोड़ के चले जाएंगे, हम आला हजरत को छोड़ करके चले जाएंगे, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं, हमने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम नेपाल चले जाओ, कभी नहीं कहा कि तुम बांग्लादेश चले जाओ, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तुम हमारे कौमी भाई हो और हमारे यहां
इंसानियत पहले है उसके बाद धर्म की बात आती है। कोई अच्छा मुसलमान, कोई अच्छा मुसलमान जब हो सकता है जब एक अच्छा इंसान बनेगा। एक अच्छा मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान होना शर्त है, हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन अगर आपको हमसे परेशानी है, बाबा हम तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे औलिया अल्लाह इस जमीन पे अपने सीने को तान करके सो रहे हैं, हम उनको छोड़ करके नहीं जाने वाले, हम उनको छोड़ करके नहीं जाने वाले। अगर आपको हमसे तकलीफ है, आप नेपाल जा सकते हैं, पासपोर्ट भी नहीं लगता वहां जाने के लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मैं आपसे कह रहा कि हमने इस हमारे ऊपर जो इस तरीके के मामलात आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कभी आपने इसका महासभा नहीं किया। हमारे मदरसे पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, नहीं कहा गया कि एक साल में 21,000 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाएगा, नहीं कहा गया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे हमारा धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, नहीं कहा गया उस कुत्ते वसीम से हमारे आका को गाली नहीं दिलवाई गई, हमारे अल्लाह को बुरा भला नहीं कहा गया। आप बताओ मुझे क्यों निशाना हम क्यों है, इस देश में बसने वाली और जातियां निशाना क्यों नहीं मुसलमानों, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जिस कौम ने जमहूरियत में अपना सियासी परचम नहीं बनाया, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, अपनी सियासी क़यादत नहीं बनाई, उस कौम की जमहूरी मुल्क में कोई पहचान नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती है, कोई वकार नहीं होता है, ना वो अपने समाज, ना वो अपनी चीजों की, ना अपने मदारिस की, ना अपनी मसाजिद की, ना अपने खानकाहों की, ना अपने दरगाहों की वो हिफाजत नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा तरीका है आप मुझे बताइए, हमारे उलमाए कराम हमारे बीच में तशरीफ फरमा, बड़े एहतराम के साथ, मैं कोई आलिम नहीं हूं लेकिन आपके कदमों में बैठ करके मैंने सीखा, आप अंबिया के वारिस हैं, आप मुझे बताइए वो रास्ता बताइए कि हम अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल कैसे कायम कर सकते हैं, वो रास्ता मुझे बताइए कि हम अपने शरीयत की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, वो रास्ता मुझे बताइए कि हम अपने मसाजिद अपने मदारिस की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, वो रास्ता मुझे बताइए कि हम अपनी दरगाह अपनी खानकाहों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, वो रास्ता बता दीजिए मुझे। 60 साल कांग्रेस, 4 बार समाजवादी उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार थी ना, आजम खान साहब मिनी चीफ मिनिस्टर थे ना, हिंदू तो कहता था हमारी सरकार है ना, फिर क्या हुआ? क्या आप आज भी पिछड़े नहीं है? आपके वोटों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया गया, जब देने की बारी आई तो किसी ने आपको कुछ नहीं दिया। मैं आपसे जो कह रहा हूं, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और इस सियासी सत्ता की चाबी जब तक आप अपने हाथ में नहीं लोगे, इंसाफ के कोई दरवाजे आप नहीं खोल सकते। ये मेरा आपसे चैलेंज है, नहीं खोल सकते। या तो 4 मरतबा सत्ता मेरा, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा थाना जहां यादव का बेटा ना हो, उसके बदन पे खाकी वर्दी ना हो, कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां पर यादव का बेटा ना हो, सरकारी मुलाजमत में ना हो? मुसलमानों, आपका बेटा कहां है? जेल की सलाखों में। 14% इस देश में मुसलमानों की आबादी है और 27% मुसलमान जेल की सलाखों में है। कौन है जिम्मेदार? क्या आतंकवाद के झूठे मुकदमों में मुसलमान जेल की सलाखों में नहीं गया? क्या 20-20 साल मुसलमान बाइज्जत बरी होकर के नहीं आया?
क्या समाजवादी बीएसपी कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमान पुलिस का